हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन के बारे में। और आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को आपका अलॉटमेंट हुआ था और आज है 17 जुलाई, लगभग 5 दिन हो चुके हैं और 18 जुलाई यानी आने वाला कल आपका लास्ट डेट है फीस पेमेंट वगैरह करने का। ठीक है, तो अगर जो लोग अभी भी फ़ीस पेमेंट नहीं किए हैं तो आप अपना फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा। तो इसमें एक एडमिशन रिलेटेड एक डाउट आ रहा है, सोचा मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको छोटा सा वीडियो दूं ताकि ये हेल्प हो जाए। ठीक है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, फिर क्या करें। तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट में बहुत लोगों का अलॉटमेंट हुआ है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मुझे एडमिशन ही नहीं लेना है और दूसरे कॉलेज के लिए मुझे जाना है, और जो प्रेफरेंस मैंने दिया था वो मुझे लोअर का मिल गया है और मुझे अपर वाला जाना है, तो एडमिशन अब नहीं लेना है वहाँ पे। तो सबसे पहली बात, अगर आपने प्रेफरेंस डाला है तो अपने हिसाब से डाला है। ठीक है, मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, जो आपको कॉलेजेस चाहिए, एक कॉलेज चाहिए, दो कॉलेज चाहिए या पाँच चाहिए, अपने हिसाब से डालिए। तो आपने 20 डाला, 25 डाला, वो अपने हिसाब से तो डाल दिया। अब क्या है कि आपको कॉलेज तो अलॉट कर दिया गया है, अब आप बोल रहे हो एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा प्रॉपर गाइडलाइन में बोला गया है। अगर आपको राउंड में बने रहना है, किसी भी राउंड में अगर आपको बने रहना है, तो सबसे पहली बात एडमिशन वहाँ पे लेना ज़रूरी है, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे, फीस पेमेंट नहीं करोगे, तो आपका उस राउंड से भी बाहर हो जाओगे और सारे राउंड से भी बाहर हो जाओगे। हो सकता है आपका जो ये हो एडमिशन का, वो आपको स्पोर्ट राउंड में ही मौका मिले। अब स्पोर्ट राउंड में आप जाइएगा तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि स्पोर्ट राउंड में सीटें बचती हैं कि नहीं बचती हैं, टोटली कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन कॉलेज में सीटें बच रही हैं या नहीं बच रही हैं। तो इसलिए आपको वेट नहीं करना है स्पोर्ट राउंड के लिए, तो आप अपना पेमेंट वगैरह कर लीजिए। ठीक है, पेमेंट करिएगा तभी आप आगे के राउंड में बने रहिएगा। तो सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ कि क्या कीजिए, अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो सबसे पहली बात आप अपना एडमिशन करा लो। कैसे एडमिशन कराना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। मैं बता देता हूँ ओवरव्यू, आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद अपना डैशबोर्ड देख रहे हो, तो वहाँ पर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर टेक एडमिशन करके आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका आएगा कि आर यू वांट अपग्रेड, यानी आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो, तो उस कॉलेज में नहीं लेना है आपको। सिंपल सा आप वहाँ पे यस कर देना, ठीक है, नो नहीं करना, यस करना। यस करने के बाद आप अपना पेमेंट जो भी दिख रहा है, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी पेमेंट आपका दिख रहा है, वहाँ पर आप अपना पेमेंट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे। अब क्या होगा, उसके हायर जो प्रिफ्रेंस होंगे उनको कंसाइडर किया जाएगा नेक्स्ट लिस्ट में। अगर आपका मार्क्स उस हिसाब से रहा, कटअप आपका मैच कर गया, तो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपको एडमिशन वहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा। आप प्रॉपर वहाँ पर गाइडलाइन, जब आप वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल जब ओपन करते हो ना, तो वहीं पे प्रॉपर गाइडलाइन में उन्होंने दे रखा है साफ साफ, इसलिए आपको ये चीज़ों का कर लेना है। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके लिए। बाकी अपग्रेडेशन के लिए जाओ, देखो हायर प्रेफरेंस मिलता है तो ठीक, नहीं तो पुराना वाला सीट रहेगा ही रहेगा। अब आपको अब मन बना ही लोगे कि उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो फिर मैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं लेना होगा तो बाद में वो विड्रॉल वगैरह का ऑप्शन खुलेगा, तो आप अपना विड्रॉल वगैरह ले सकते हो। हालांकि मैं बोलूँगा अभी विड्रॉल का सोचो नहीं, अभी अपग्रेडेशन का मौका दिया जा रहा है, तो आप अपग्रेड करो। देखो कॉलेजेस बहुत लोग को अलॉट किया जाएगा और अपग्रेड भी होगा, कॉलेजेस अलॉट भी होंगे, अपग्रेड भी होंगे काफ़ी लोगों का। ये ध्यान रखिए, जब अपग्रेडेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे मतलब यस ही करना, ठीक है, जो मैं बताया हूँ कि आर यू वांट अपग्रेड, तो यस करना। ठीक है, अगर कॉलेज वो कॉलेज नहीं चाहिए तो, और नो कर दिए तो वो सीट वहीं पे सिक्योर हो जाएगा, आप उसी कॉलेज में जाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपका यही डाउट था, फिर एक और डाउट आ रहा है, फ़ीस पेमेंट करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे तो आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यही आपका रहने वाला है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है आपको। एक और सवाल आ रहा था कि भैया मैंने जो सीट
के लिए, मतलब मुझे वो सीट मिल गया, अब मैंने क्या किया अपग्रेडेशन के लिए कर लिया, पर मुझे अब क्या करना है, चेंज करना है कि नहीं मुझे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, वही कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखिए अभी आपने कर दिया अपग्रेडेशन के लिए, तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप वेट करना है, ठीक है, अब वेट करो नेक्स्ट राउंड के, अपग्रेड किए हो आप तो उससे हायर प्रेफरेंस जो भी रहेगा अगर अलॉट हो गया तो आपको वो वाला कोर्स का कॉम्बिनेशन चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर वो कॉलेज जो भी आपका हायर प्रेफरेंस है अगर वो कॉलेज आपका मिल गया नेक्स्ट राउंड में, जो भी सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, तो पुराना वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो ऑटोमेटिक हट जाएगा और नया वाला आ जाएगा, और पुराना वाला दूसरे कैंडिडेट को वो लोग अलॉट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी मैं बोलता हूँ कि सोच समझ के जो भी अपग्रेड करना है कीजिएगा, आपको कॉलेज पसंद नहीं है तभी आप करिएगा, ये नहीं कि बिना मतलब का अपग्रेडेशन कर दिए फिर आप बोल रहे हो कि अब मुझे अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है, वही कॉलेज चाहिए, तो अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्रिफ्रेंस चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं आएगा आपको, इसलिए जो भी है उसको सोच समझ के कीजिए। बाकी आगे का देखते हैं, आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है और यही आपका सवाल था, होप मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जिनको जिनको अलॉट हो गया तो आप अपना फीस पेमेंट कर लीजिए, ठीक है, फीस पेमेंट करके अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड का ऑप्शन मतलब अभी तक है 18, कल तक है, कल रात के 11:59 PM से पहले अपना जो भी करना है कर लीजिए, ठीक है, और आप अपना प्रोसीजर, आगे का प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ठीक है, और कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछिए कैसे उसको करना है। बाकी मैंने अपग्रेडेशन से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, कैसे फीस पेमेंट वगैरह करना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना कर रखा है, काफ़ी डिटेल में मैंने बात कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हर टॉपिक पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई समस्या आ रही है तो आप पूछो, अगर मुझे लगेगा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है तो मैं ज़रूर उसके लिए कवर कर दूंगा। बाकी मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ, सबका रिप्लाई कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी समस्या आ रही है आप पूछ सकते हो, आपके पास अभी लगभग 2 दिनों का समय है, आज पूरा दिन है, कल पूरा दिन है, तो 2 दिनों का समय है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, अभी डिसीजन ले लीजिए, बाकी देखिए फिर जैसे होता है बताया जाएगा। और काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया कॉल भी आ रहा है कॉलेजेस की तरफ से, तो हाँ कॉल तो आ रहा है, हाँ काफ़ी लोगों का आया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, कॉल आ रहा है तो बस वो लोग बस कॉन्फर्मेशन के लिए कर रहे हैं, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लीजिएगा, ये नहीं कि वो आपको प्रेशर में आके जो चीज़ें करना है कीजिए, ठीक है, आपके ऊपर डिसीजन है। बाकी जो भी डिसीजन लीजिए अच्छे से डिसीजन लीजिए, और आप सबसे पहली बात कि सेल्फ डिसीजन ला लें, अपने गार्जियन से अपने पेरेंट्स से सबसे पहले वो डिसीजन आप डिस्कस करो, ताकि वो अच्छा राय आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी मायने रखता है आपके लिए चाहे हमारे लिए, क्योंकि वो जो बताएंगे वो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इसलिए उनके अनुसार चलो और थोड़ा सा उनसे भी डिस्कशन कर लो, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम में ये चीज़ें आपको क्या है कि ये लाइफ टाइम जुड़ा रहने वाला, आप 3 साल 4 साल जहाँ भी जाने वाले हो आपके साथ जुड़े रहने वाला है, इसलिए आपको उसको अच्छे से डिस्कस करना है। और सबसे बड़ी बात कि आप कोर्सेस के साथ जाओ, जो भी आपका कोर्सेस है, मनपसंद कोर्सेस है, और जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे आगे पहला प्रेफरेंस रखो, अगर नहीं होता है फिर बाद में कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन देखो, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जो आपको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको रखा करो, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया करो घर पे, और पेरेंट्स भी समझेंगे और वो अच्छा राय मशवरा आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, ये चीज़ें मुझे बताना था इसलिए थोड़ी सी मैंने डिस्कशन कर लिया, और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय, ऑल ऑफ यू।